हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं आया हूँ एक बहुत डेवलपिंग साइट, एक ऐसे एरिया में जो जिसमें अभी डेवलपमेंट आ रहे हैं, इन नियर फ्यूचर आने हैं, नेक्स्ट 5 से 10 साल में डेवलपमेंट होना है और डाउन द लाइन रेट धीरे धीरे बढ़ेंगे। मैं हूँ मोहनलालगंज के पास एक साइट अटालिका पाम सिटी में। ये SBI अप्रूव्ड, LDA अप्रूव्ड और रेरा रजिस्टर्ड टाउनशिप है। इसमें प्लॉट्स के ऑप्शन है, प्लॉट साइज लगभग 1000 स्क्वायर फुट का, 1200 स्क्वायर फुट और 1500 स्क्वायर फुट और 1800 स्क्वायर फुट की रेंज में प्लॉट्स हैं। 1800 या 1700 में कुछ लिमिटेड कॉर्नर्स हैं। मेनली साइज 1000, 1200 और 1500 स्क्वायर फुट का है। कॉस्टिंग वाइज भी ठीक लगा। ये टाउनशिप बिल्कुल DLF गार्डन सिटी, एक टाउनशिप बनी हुई है मेन रायबरेली रोड पे, उसके ठीक सामने है और मेन रोड से अप्रोक्सीमेटली 600-700 मीटर अंदर होगी। अगर मैं फर्स्ट इंस्टेंस बोलूं, पहली बार मैं साइट पे आया तो मुझे एक ऐसी फीलिंग है कि कहाँ मैं जंगलों में और कहाँ मैं अंदर इंटीरियर में आ रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे अपने पापा की बात याद आई, जब वो उन्होंने कोई अपना पहला घर या कोई पहला इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आलमबाग के आगे काशियाना एरिया हुआ करता था, तो कहते जब मैंने लिया था 1990 या 1997 या 8 में, तो जो वो एरिया है जंगल की तरह प्रतीत होता था और वो कोई रहना नहीं चाहता था उस लोकेशन में। पतली पतली से सड़कें थी, पानी भर जाता था और चोरी का भी डर रहता था। लेकिन धीरे 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 देखते देखते 15 साल 20 साल बीते और आज वही लोकेशन जो उस समय 10 लाख के घर नहीं बिकते थे, आज 4-4 करोड़ के हैं। तो अगर इस तरीके के लोकेशन में जहाँ पे लगभग 40 या 50 लाख की रेंज में आज भी अपना घर लेने का ऑप्शन है, वो भी LDA अप्रूव्ड, जहाँ पे सीवर लाइन हो, वाटर लाइन हो, सारी बेसिक एमिनिटीज हो, पार्क हो, टेंपल हो, जो भी कुछ दे रहे हैं बिल्डर, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कुछ ओवर ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि कुछ बहुत ज़्यादा मुझे एमिनिटीज में बहुत बढ़िया मिल रहा है। लेकिन लोकेशन वाइज, क्योंकि किसान पथ पास में है, DLF के कमर्शियल सामने है, तो कुछ कमर्शियल मार्केट एक बिल्कुल सामने बनेगा और ओमेक्स का भी कल्ली पश्चिम पे एक प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें मॉल्स भी हैं, मार्केट भी है। तो इस लोकेशन पे अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 किलोमीटर में अच्छे ऑप्शंस हैं और बड़े ब्रांड्स हैं। बड़े ब्रांड्स होने का मतलब आज नहीं तो कल धीरे धीरे काम होगा। और जिस रोड पे ये टाउनशिप है वो रोड PWD मास्टर प्लान में, PWD में 60 फीट चौड़ी और 40 फीट चौड़ी सड़कें हैं जो PWD मैप में ऑलरेडी हैं। अब काम कब होता है ये नहीं मालूम। तो ओवरऑल डेवलपमेंट या फ्यूचर एस्पेक्ट से मैं बात करूँ डाउन द लाइन आफ्टर 3 ईयर 5 ईयर्स, तो मुझे फ्यूचर अच्छा लग रहा है। ओवरऑल मैं इस प्रोजेक्ट को 3 out of 5 रेट करना चाहूँगा। 2 पॉइंट्स जो मैं मेन काट रहा हूँ, एक साइट को प्रेजेंटेबल बना सकता था बिल्डर थोड़ा और दूसरा कि अभी अगर देखेंगे तो बहुत एक अंडर डेवलप्ड एरिया लग रहा है, लेकिन फ्यूचर अच्छा है। आसपास में मैंने देखे घर बने हुए हैं, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, बसावट है और अच्छी अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रह रहे हैं, तो पोटेंशियल जरूर है इस एरिया में, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा इस साइट को। ये बहुत अच्छी साइट। चलिए अभी मैं आपको थोड़ा करंट स्टेटस दिखाता हूँ साइट का, क्या डेवलपमेंट वर्क हो चुका है और क्या डेवलपमेंट वर्क होना है और पोजीशन कब तक है और प्राइस पॉइंट क्या है, ये बिल्कुल लास्ट में मैं वीडियो के बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को। ये साइट का मेन एंट्रेंस रहेगा। इस तरीके से एंट्रेंस गेट साइट पे इस समय रेडी हो रहा है। और इस तरीके की अभी करंट स्टेटस में जो अप्रोच रोड है वो इस तरीके की है, जो कि बिल्डर पूरी 40 फिट की बना के रेडी करके देंगे पोजीशन के टाइम पे। ये इस तरीके से साइट है पूरी, जिस पे अभी सिर्फ ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो सीवर का काम पूरी साइट पे हो चुका है। सीवर पाइप पड़ चुके हैं, वाटर लाइन और रोड और डिमार्केशन ये काम बचा है और लैंड लेवलिंग, पूरा लैंड पे एक लेवल, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे का लैंड हो, पूरा लैंड लेवलिंग हो चुका है। ये साइट का दूसरा एंट्रेंस है, जो कंपनी एक ने अटालिका पाम फेज़ 1 डेवलप किया है उसके सामने का ये एंट्रेंस है और ये 60 फीट चौड़ी रोड रहेगी। एक तरफ मोहनलालगंज तहसील की तरफ निकल जाएगी और एक तरफ वृंदावन योजना की तरफ ये रोड निकल जाएगी।
और ये सामने जो प्रोजेक्ट है ये अटालिका फेज़ वन है पाम सिटी, जिसमें ऑलरेडी पॉपुलेशन रहती है। आज के टाइम पे बैंकर्स, कुछ और अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 15-20 मकान बने हुए हैं और 7-8 मकान अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे थे। इस साइड पे कुछ खास दिखाने को नहीं है, इसमें बस दो एंट्रेंस गेट है, एक फ्रंट वाला भी मैंने कवर कर दिया और एक पीछे वाला। और ये कुछ कंस्ट्रक्शन के फोटोग्राफ्स हैं और कुछ फोटोग्राफ्स हैं कि किस तरीके का डिज़ाइन बिल्डर अंदर टाउनशिप में जो सेंट्रल पार्क रहेगा या जो लैंडस्केपिंग किस तरीके की रहेगी, ये कुछ सैम्पल फोटोग्राफ्स हैं। अगर एक्चुअली मुझे बोलना हो तो ये एक देसी टाउनशिप है, लोकल टाउनशिप है, जिसको बिल्डर ने हर तरीके से मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी है। और ये एफर्ट मुझे बिल्डर का, क्योंकि नया बिल्डर है, मार्केट में रेपुटेशन बनाना चाहते हैं, तो मुझे उनका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।